कोरबा में एक तेज रफ्तार ट्रेलर वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। घटना से नाराज ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। लगभग 5 घंटे चले आंदोलन के बाद लाख रुपए क्षतिपूर्ति राशि दी गई है, तब जाकर के ग्रामीणों ने आंदोलन खत्म किया है। घटना गुरुवार के शाम 5 बजे की है। ग्राम पंचायत सराई सिंगा निवासी हिरावन यादव के पुत्र मनोज यादव, उम्र 25 साल, किसी काम से हरदी बाजार अपने बाइक क्रमांक CG12AU4705 में गया था। काम निपटाकर वापस लौट रहा था, तभी पेट्रोल पंप के समीप ट्रेलर क्रमांक CG12C3011 ने अपनी चपेट में ले लिया। घटना में मनोज यादव की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। लगभग 5.5 घंटे बाद तहसीलदार ने प्रशासन की ओर से 25,000 रुपए और ट्रेलर मालिक की ओर से 75,000, कुल 1,00,000 रुपए मुआवजा के रूप में प्रदान किया, तब जाकर के आंदोलन समाप्त हुआ है। हरदी बाजार थाना प्रभारी अभय सिंह बैस ने कहा है कि घटना की रिपोर्ट दर्ज की गई है। घटना के बाद चालक फरार हो गया है, उसकी तलाश जारी है। आंदोलन की वजह से बाइक चालकों को एवं आसपास गुजरने वाले वाहन चालकों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बने जिला प्रमुख व ब्लॉक प्रमुख रिपोर्टर और पाए मौका प्रदेश की सबसे बड़ी न्यूज चैनल छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज के साथ जुड़ने का। छत्तीसगढ़ की सभी खबरें देखने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।